कौन? मैं कॉलेज में आके पहले तो मिल गई आग, मजा ही आ गया जैसे, यार क्या जन्नत मिल गई यार। हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ज्यादा शानदार, क्योंकि आज है तुम्हारे भाई के एग्जाम, वो कॉलेज का फर्स्ट एग्जाम है, वो भी दूसरे कॉलेज में, समझ रहे हो। तो थोड़ा पहली बार दे रहा हूँ एग्जाम, इसलिए थोड़ा अलग एक्सपीरियंस रहेगा। तो चलो देखते हैं कैसा रहने वाला है। कोहरा बहुत ज़्यादा है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो जल्दी से रेडी होते हैं फिर चलते हैं। तो अभी हो गया मैं रेडी और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, 15 मिनट लेट भी हो गया, मुझे 7 बजे निकलना था, 7:15 हो गया है और 8 बजे पहुँचना है कॉलेज। 30-35 किलोमीटर है घर से। वैसे हम जाते हैं अपनी धन्नो से, लेकिन अब जाएंगे हम स्प्लेंडर से। धन्नो को आज घर पर छोड़ के जाएंगे। मैंने तो पूरा पैकअप कर लिया है अपना, ठंड तो नहीं लग रही है, और हेलमेट बुलेट वाला था घर पे तो वही लगा लिया, बस सेफ्टी ज़रूरी है भाई, सेफ्टी ज़रूरी है, वही कर लिया अपनी, बाकी तो इसको भी डालते हैं फिर चलते हैं अपन लोग। हेलो शिवम बॉय, बढ़िया बढ़िया भाई। चलो भाई तो अभी ये मिल गया है, अब चलते हैं अपन लोग कॉलेज। बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, 7:30 से भी ज़्यादा हो गए हैं, और पहुँचना है 8 बजे, आधा घंटे में पहुँचना है हमें, बहुत ज़्यादा दूर, तो चलते हैं बिना देरी किए। गाइस अभी आ गए अपन लोग पेट्रोल पंप पर, अपना तो हम तो फुलफिल होके आए हैं, अब बाइक को ही फुलफिल करना है, क्योंकि बाइक क्या रही है। ओ भाई हालत तो पतली हो गई है ठंड में, ये देखो शीशे का क्या हाल है, सब छप गया, छप बहुत ज़्यादा ठंड। गाइस अभी बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है बाहर, आपको पता ही है कोहरा कोहरे के दिन चल रहे हैं, देखो एक बार, और स्पीडर पे कॉलेज जो है वो पीछे निकल गया है, और जहाँ पेपर है एग्ज़ाम है वो अभी 1 किलोमीटर और आ गया है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, मैं बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ, और ये हेलमेट पे जितना भी कोहरा आ रहा था ना वो सब गिर रहा था नीचे। तो ये देखो टंकी भी अभी दिखाता हूँ बैक कैमरे से, पूरी भीग गई है, और जैकेट भी मेरी पूरी भीग चुकी है, ये देखो ये ऐसी हो गई है, कलर इसका ऐसा है, पूरी भीग गई है भाई पूरी, इसकी पैंट वेंट सब भीग गई है, देखो सारी पैंट वेंट सब भीग गई है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड है। ये देखो भाई आगे टूल टैक्स है, बस ये टूल टैक्स की देखो वो है जो ब्रेकर होते हैं पहले, सामने टूल टैक्स है भाई, दिख ही नहीं रहा है। और ये देखो हेलमेट से गिर गिर के सब इधर गिरा है, ये पूरी टंकी वंकी सब गीली हो गई, और ये देखो जैकेट का हाल, कलर ऐसा है, भीग कैसी हो गई है, हाथ तो चल ही नहीं रहा है, बस मैं ये सोच रहा हूँ लिखूंगा कैसे। गाइस फाइनली अभी आ गए हम लोग फटूरे कॉलेज, FATURE फटूरे कॉलेज आ गए हैं, ये भी हमारे क्लासमेट ही हैं थोड़े, इस बार अपनी धन्नो को पार्किंग में पार्क कर दिया है, और अब चलते हैं कॉलेज के अंदर। एक बार आप लोग मेरा हुलिया देख लो इधर आके कैसा हो गया भाई, पूरा हेलमेट पे पानी पानी, पैंट ये देखो पैंट यहाँ सब गीली हो गई है, जैकेट पूरी गीली है, और भी भाई हालत बहुत टाइट हो गई है, हाथ चल ही नहीं रहा बिल्कुल, रेड हो गए रेड। कॉलेज में आके पहले तो मिल गई आग, मज़ा ही आ गया जैसे, यार क्या जन्नत मिल गई यार, अंकल जी की वजह से, अंकल जी बोले कर लो पहले अपने हाथों को गर्म, पैन चलेगा नहीं, रेड हो गए देख रहा हो हाथ, ओफ इसकी देखो टाइम भी हो गया अभी 10 मिनट हैं, 10 मिनट में 500 मीटर और अंदर जाना है, पहुँच जाएंगे बहुत आराम से, हाथ गर्म कर लें आराम से फिर चलते हैं। भाई आग मिल गई तो सच में मज़ा आ गया भाई, वरना तो हाथ चल ही नहीं रहते, अब हाथ चलने लगे, 500 मीटर और अंदर जाना है हमें भाई, बिना कार के मज़ा नहीं आएगा, कार लेना पड़ेगी तो सिर्फ हम भाई कार रहो पेपर सही बात भाई कार ही लेना पड़ेगी बहुत यार, मैं तो सोच रहा हूँ लोग बहुत बहुत ज़्यादा दूर जाते होंगे, कैसे जाते होंगे इतनी दूर में भाई, मज़ा आ गया करते ही मज़ा आ गया है। हाँ अगले पेपर में देखेंगे यार, ऑटो ऑटो से आएंगे, बाइक से तो हालत ही ख़राब हो जाएगी, या ठंड कम हो तो आएगी। तो गाइस बकैती हो गई है बहुत ज़्यादा, कॉलेज में कोहरा बहुत ज़्यादा है इसलिए कुछ दिख नहीं रहा है, और 11:30 बजे तक पेपर होगा, उसके बाद बाहर आएंगे तब देखेंगे थोड़ा बहुत कॉलेज। तो अभी पूरा आके हूँ मैं हॉल में, यहीं पर सबके बैग रखे हैं, पेन और वो ले लिया अपना, यार इस भाई पहले ब्लॉग में भी थे इसके बराबर में, कौन है मैं नहीं जानता, कैंटीन बंद पड़ी है तो बंद है आगे से, ये दूसरा वाला क्लास हमारा है, फ़ोन लेके नहीं जा सकते वहाँ तक, तो अभी फ़ोन रख देते हैं, पेपर देने के बाद मिलते हैं सबसे। हाँ जी अब हो गया भाई का एग्ज़ाम, बढ़िया गया था, 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना थे, 5 करे हैं, बाकी सही गलत का तो अब टीचर को ही पता होगा, बाकी सब कुछ बढ़िया है, ये बैग वैग रखे हैं, हेलमेट रखा हुआ है सबका, फ़ोन अंदर लेके नहीं गए थे, बता ही दिया था कहाँ हुआ था। ये देखो 11 बज गए हैं और अभी तक पूरा बिल्कुल कम भी नहीं हुआ है,
फाउंटेन है, फाउंटेन भी बोलते हैं उसको भाई। कोहरा तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा बिल्कुल। अभी ये रोड देखो, रोड बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अरे रोड नहीं होगा इधर, खेत है, रोड थोड़ा और आगे, लेकिन आवाज़ आ रही है बाइक की तो पास में ही, लेकिन दिखेगा कैसे। यहाँ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं इतनी ठंड में भाई। तो ये देखो कितना सीधा बच्चा देख रहा हो। कह रहा भाई 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना थे, मैंने 3 कर लिए हैं, बहुत बढ़िया। अभी 3 बोले थे आके। तो भाई अभी आ गया बिल्कुल लेजर फाउंटेन के पास, और ये बहुत छोटा छोटा चल रहा है, इतना मज़ा नहीं आ रहा भाई। बड़ा होना चाहिए था, बड़ा ऊंचा सा, तब आता बढ़िया सा मज़ा। और कॉलेज सिर्फ मैनेजमेंट की, सिर्फ मैनेजमेंट की बिल्डिंग है, फटूरे फार्मेसी की तरफ है बड़ा वाला। तो ये देखो फटूरे कॉलेज में था हमारा, क्या था सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर। नहा लो इसमें शिवम भाई। नहा के नहीं आया हो? नहा के ही आए भाई। तो सही है, ना आया हो जो वो इधर भी नहा सकता है वैसे। अब करते हैं यहाँ पर एक दो फोटो क्लिक। फोटो देखने के लिए आप लोगों को पता ही है आपको करना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे फॉलो, जो कि आपको इंस्टाग्राम की लिंक आपको अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगी और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो जाके फॉलो कर दो। अपना पेपर कितने टाइम का था, तो कितने घंटे में करना था? 3 घंटे में करना था। 3 घंटे में करना था। हाँ। अपने लोग कितनी देर में दे के आ गए? लोग 2 घंटे में दिया है। 2 घंटे में दे के आ गए भाई पेपर। पढ़ते पढ़ते भी है कुछ या रही? मतलब मेरा तो पता ही है, मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ, कि इसका इसको पता होगा पढ़ता या नहीं पढ़ता है। फार्मेसी की बिल्डिंग क्या ही करना है यार, ये सब पढ़ लिख के यार सब बेकार है भैया, बेकार है। यहीं बैठना पड़ेगा थोड़ी देर, 1 घंटा पहले पेपर दे दिया भाई साहब, समझ रहे हो? कुछ पढ़ने वाले बच्चे हैं अभी ये, आप क्या कह सकते हो, पढ़ने वाले हैं या ना पढ़ने वाले हैं आप बताओ। तो 1 घंटे पहले पेपर जो दे दिया आपने, हम पढ़ने वाले हैं या ना पढ़ने वाले हैं आप लोग बताओ कमेंट में। नहीं इंटेलिजेंट है, हमने पहले दे दिया। हाँ इंटेलिजेंट की स्पेलिंग बता दो। ये तो नहीं पता। ये इंटेलिजेंट है भाई, ठंडे हाथ लगा दूंगा। यहाँ पर लगा है एक बोर्ड फ्यूचर कॉलेज का, जहाँ पर लिखा है प्रोग्राम यूजी एंड पीजी प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स ही है ना। हाँ फॉर योर ब्राइट फ्यूचर BIGST। ये बताओ ये सही लिखा है या गलत लिखा है? वैसे इसकी जगह पे मेरे हिसाब से तो BRIGST ब्राइट फ्यूचर होना चाहिए। ये वाइट का भी कोई मतलब होता है तो बताओ, मुझे पता नहीं इस बारे में। और ना हो तो जल्दी से कमेंट करो, ये फ्यूचर कॉलेज वाले क्या फ्यूचर बनाएंगे, ये फटूरे बना सकते हैं बस। साहब हमारे क्लासमेट आ गए, देखो भाई आप थोड़ा अपना बारे में बताओ, पेपर तुम्हारा हुआ कैसा? मेरा पेपर बहुत ही बड़ा हुआ बस। 3 पेज रह गए। अब वो भाई साहब तो भाई एक नंबर। और तुम्हारा कैसा हुआ? ये तो मेरे पीछे ही था। मैंने सुबह ही बताया था कि आज किस चीज का पेपर है, ये तुम सुबह फोन कर, सुबह फोन कर। अरे वाह बेटे मौज कर दी। अभी और लोग आ रहे होंगे, उनका भी पूछना है। बैक वेंचर है, महीने में एक बार आते हैं भाई। भाई भाई तुम्हारी टोटल प्रेजेंट कितनी है अभी तक? 8 नहीं 100 में होंगी, 6 होंगी, 6 देख रहा 100 में से 6 प्रेजेंट है इन भाई साहब की। तो क्या होगा बताओ, ऐसे ही लोग नाम रोशन करते हैं हमारे, ऐसे तो देश का विकास होगा, देश का विकास होगा, लेकिन पहले अपना करना जरूरी है। कॉलेज तो ले लिया था पर क्लास में नहीं जाता। कौन? मैं अभिषेक शर्मा। तुम्हारे फादर को ये वीडियो स्पेशली टैग की जाएगी, सेंड की जाएगी लिंक इसकी। आप देखो इम्प्रेशन भाई साहब। अभी आ गए अपने धन्नो के पास, और भैया हाथों का बुरा हाल फिर से होने वाला है। बाकी निकालते हैं अभी अपनी गाड़ी, चलते हैं। देख रहे हैं अभी एक दो लोग और आ रहे हैं, हमारे दोस्त जो हमारे साथ में जाएंगे अलग बाइक से। ये देखो पूरे मजे ले रहे हैं, देखो मन तो कर रहा है डांस करने का यहाँ पे। फिलहाल निकालते हैं अपनी बाइक और चलते हैं अभी। कैसा हुआ पेपर? बहुत बढ़िया हुआ, भर दिया पूरा। ओए छात्र नेता इधर आओ। कैसे हैं देवांश भाई आप? कैसा हुआ आपका एग्जाम? कैसा सही हुआ एकदम? कितने मार्क्स आ जाएंगे 70 पर से अप्रोक्स? 50 नंबर आ जाएंगे। चलो बढ़िया, इतने आना चाहिए वैसे, 50 तो आ जाएंगे। चलो हमारे शिवम भाई के तो 65 जाना है। बाकी भाई फटूरे कॉलेज को बाय बाय करते हैं और अपने हाथों को दुख देते हैं घर पहुंचने के लिए। आ गए हमारे निजी दोस्त भाई साहब, 1 2 3 इसको तो कई बार ब्लॉग में आपने देखा ही होगा। कैसे हैं सर आप? बढ़िया है। आपके एकदम कैसा हुआ? बस ठीक ठाक हुआ, इतना उम्मीद है। हाँ बैक ना लगेगी, बैक ना लगेगी। फिर भी कितने 70 नंबर का था, 65 तो आ ही जाएंगे। हाँ 69 आ जाएंगे, माइनस में लेकिन है, माइनस में। और तुम्हारा कैसा हुआ?
हम तो भाई कर ही आते हैं, बस लॉजिक लिखते हैं, बस पेज नहीं भरते लॉजिक। एग्जामिनर जो थे वो बोल रहे थे ये तो डिफॉल्टर लग रहा है। ध्यान भाई बड़े कलरफुल हो रहा है पूरे ऊपर से नीचे तक एकदम। कैसा हुआ तुम तो यार ऐसे बन के आए हो कि जैसे शादी उदी पे जा रहे हो कोई। अब बताओ मुझे बनने की जरूरत है, मैं रहता ही ऐसा हूँ। बताओ देख लो ड्रेस, वेयर इज योर ड्रेस? ड्रेस नहीं यूनिफॉर्म, ये भी ड्रेस है यूनिफॉर्म पूछो। यूनिफॉर्म? अरे यूनिफॉर्म या ड्रेस बात ऐसे एक ही है। हाँ हाँ ये भाई हमारे स्कूल का सबसे स्मार्ट बच्चा शर्मा के देख स्मार्ट बच्चा ये हमारे हमारे क्लास का सबसे छोटा बच्चा। आई एम संदीप रावत। ड्रेस रिवील हो गया भाई इसका और कौन सी प्रॉब्लम हो गई। और सर आप आर्मी में हो क्या? आप आर्मी में? कहाँ आर्मी में हो आप? नहीं सर होने वाले हैं शायद आगे। वीसीए में? वीसीए में तो आप? वीसीए में तो हैं। कैसे नहीं लगता भाई? ये सवाल पास हो पाएंगे? 65 आ जाएंगे? अरे नहीं 95 थोड़ा कम तो ठीक है, पास होना चाहिए, रैंक नहीं आना चाहिए। बाकी भाई मेरा भी बहुत बड़े पेपर हुआ है आप लोगों को पता ही है, बाकी रिजल्ट में पता चलेगा कैसा हुआ है। अभी यही लोग हैं आ गए हैं सब लोग, आप बाय बाय करते हैं फिर चलेंगे। बाय 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 बाय। आप जा रहे हैं अपन लोग घर पे और रास्ते में आगे कैसा लगता है? और आज भाई तुम्हारा कैसा होगा? अच्छा है यार। चलो ठीक है मिलते हैं घर पहुंच के, बाय बाय।